जानवर कितने महीनों में कितने सालों में दो दांत होता है और फिर कितने महीने बाद वो चार होता है, देखो और फिर कितने महीने बाद वो छह होता है। अभी बात ये नहीं है चाय पानी कुछ भी नहीं है, अभी आपको जो थपड़ों की बारिश करने का दिल कर रहा है, आपने क्या हालत बनाई है बकरों की यार। बात है, मैं आज आए इसीलिए था कि इस मसले का हल निकाल सकूं। भले दुश्मन लाख बुरा चाहे लेकिन हम जो है वो कभी नहीं बिछड़ेंगे, क्यों बेंजामिन? सदर से हम एक पेयर खरीद के लाए थे छक्कली का, ये मेरे ख्याल से फीमेल है, इसका मेल भी यहीं कहीं होगा, वो भी हमने पता। पहले तो इतनी बड़ी बड़ी शेखियाँ उनकी आप सुन लो आती कि हम तो यूँ हैं, हम तो वो हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किया उनसे कुछ नहीं जाता। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज का सीन जैसे कि मैंने कल बोला था मैं आज आऊँगा और फुल तैयारी के साथ आऊँगा, मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब बात यह है कि आज जो है बकरों ने थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा खाना खाया है। अंदर आइए, बकरों के अंदर आप देख सकते हैं बकरों का डिश पूरा खाली है और आज थोड़ा सा ये मुझे एक्टिव भी लग रहा है, लेकिन बात वही है, बात वहीं की वहीं रहेगी और वहीं है और वहीं रहेगी। अभी गोशी को बुलाया मैंने, उससे बैठ के आमने सामने बात होगी। कहाँ है भाई ये गोशी, किधर है? आज ये मुदस्सिर भाई भी, इनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत आई हुई है, उसने जो है ना ध्यान हटा लिया है। अब इतना बोला हमने ऑफिस में कि चल भाई, बात ये नहीं है, बात ये आप बुला के लाओ जाओ, उसके आमने सामने बात होगी। मुन्ना भाई आप बता दो अपने हक ईमान से, बुला के लाओ उसको जरा। बकरों में आपको चेंज नजर आ रही है? थोड़ा बहुत फर्क है, मैंने उसको यही बोला था, बोला गंदम शुरू करूंगा मैं, और आज पता नहीं कहा है यार। ये बकरों को जो खिलाया जा रहा है, ये खिलाया जाता है बकरों को, ये बकरों का खाना है जो खिलाया जा रहा है इसको। हीरोगिरी ताप रहा है और कुछ भी नहीं है, इसको बुला के ला भाई, जा जा बुला के ला, जा पहिया इसको बुला के ला भाई। अभी पहिया को मैंने भेज दिया इसको बुलाने के लिए, अब पहिया आएगा और गोशी आएगा, उसके सामने ही बात होगी और वहीं मिलेंगे। ओरियो में, अच्छा ओरियो मुझे ना पहले से कुछ ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा पता नहीं क्यों आज लग रहा है, पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ना गुलाइयाँ शुलाइयाँ इसकी बनी है। ये देखें आप दुम्बे जो है बस मारते हैं दुम्बों से, मुझे डर लगता है। ये देखें माशाल्लाह से थोड़ा सा इसमें ओरियो में थोड़ी सी ना चेंजिंग नज़र आई है, और ये हमारा जो ब्लैक आई है वो तो वैसी का वैसी है, इसमें तो कुछ मुझे चेंजिंग नज़र नहीं आ रही ना। थोड़ी सी एलर्जी आप लोग देख सकते हैं, मुझे थोड़ी सी एलर्जी भी हो रही है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डर गया था मुँह पर, और ये देखना यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया। हाँ ये देखें इस पर ना यहाँ पर थोड़ी सी गर्दन की साइड पर ना थोड़ी सी एलर्जी टाइप की हो, इसकी दवाइयाँ इसकी वैक्सीनेशन उसको प्रॉपर मिल रही है। और भाई ये देखो लार जो है फुल अपनी मस्ती में लेटा हुआ है और रेड आई हो रहा है। रेड आई के साथ जो हुआ है ना, बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि रेड आई के साथ क्या हुआ है। खैर चलते हैं अपने बकरों की तरफ, बस गोशी का इंतज़ार है या हमारे पांडे। ये देखें यार आप बताएं इसमें फ़र्क है या नहीं है, कितना कमज़ोर हो गया यार, ऐसे थोड़ी दिए थे मैंने बकरे यार उन लोगों को, मेरा पांडा और मेरा बेंजामिन यार, बहुत गलत हुआ है मेरे बकरों के साथ यार, बहुत गलत हुआ। और चलो कबूतर होगा भी आज आपको अपडेट दे देते हैं। गोशी जो है वो एक कबूतर का जोड़ा ही लाया है यहाँ पर, जो समझ लें हमारी घर की ही ब्रीड है। अच्छा कबूतर के साथ साथ हमारे पास हमने छुपकली भी पाली थी, ये छुपकली भी हम जो है सदर से लाए थे, आप देख सकते हैं सदर से हम एक पेयर खरीद के लाए थे छुपकली का, ये मेरे ख्याल से फीमेल है, इसका मेल भी यहीं कहीं होगा, वो भी हमने जो है पार्किंग में ही रखी हुई, अंडे बच्चे करके अब जो है अपनी तादाद जो है वो बढ़ा दिए। देख लें कहाँ गई, चलिए वो चली गई, रात का टाइम है तो वो भाग गई है। अच्छा यार बेंजामिन मुझसे जो है बड़ा प्यार करता है, जब भी मैं आता हूँ मेरे को देख के खड़ा हो जाता है यार, पुरानी मोहब्बत है सही है मेरी और बेंजामिन की, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगी। भले दुश्मन लाख बुरा चाहे लेकिन हम जो है वो कभी नहीं बिछड़ेंगे, क्यों बेंजामिन? क्या शेर मारा है ना, भले दुश्मन लाख बुरा चाहे लेकिन हम तुमसे कभी नहीं बिछड़ेंगे। लेकिन यार बेटा तुम लोगों के साथ जो हो रहा है मैं उसके लिए बड़ा तुम लोगों से माजरत खाऊं, लेकिन तुम्हारे इस मसले का हल भी मैं आज इंशाल्लाह आज यहाँ से निकाल के जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा, बेफिक्र हो जाऊँ सही है। तो बुलाने के लिए नफरी मैंने फुल भेज दी है यहाँ से ना, समझ लो फुल नफरी यहाँ से चली गई है, चार से पाँच लड़के गए जो उसको कंधे पर बिठा के लेकर आएंगे और इस मसले का हल निकलेगा। आज इससे बहुत सवाल जवाब होने, बस आ जाइए यहाँ पर एक बार, आज आप लोगों के सामने होगा जो भी होगा, ऑन कैमरा होगा जो कुछ भी होगा सही है। बकरों की इसने जो हालत बनाई है
उसी से पूछूंगा आज केस ने ये सब क्यों किया है, ठीक है, और नहीं हो रहे तो भाई टेंडर तो वापस नहीं लूंगा, आप लोगों को पता टेंडर तो मैं वापस नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा टाइट तो कर सकते हैं ना यार, खाना पीना क्यों नहीं दे रहा भाई तू बकरों को, जो बकरों का खाना है वो तू दे। ये देखो यार, ये देखो, ये पांडा ऐसा दिया था मैंने, आप लोग पुरानी वीडियो देख सकते हो यार, कितना इसने रेड मार दी पांडे की यार, बहुत ख़राब कर दिया इसने यार मेरा पांडा। जरा अब इसका हल क्या है, अभी गोशी को आने दो ना, उससे बात करेंगे ना यार। ओहो ओहो, रेड आई भी फुल मस्त लेटे हुए आज तो भाई, देखें आप लोग जरा, आज क्या आराम कर रहे ना, आज के सारे खामोश खामोश हैं, सारी खामोशी बहुत है, पार्किंग में हमारी खामोशी भी मुझे नज़र आ रही है। हमारे लार भी आराम कर रहा है, हमारा रेडाई भी आराम कर रहा है, और ये बेंजामिन ये तो भूखे ही रहते हैं हर, क्योंकि इनको गोशी ठीक से खाना पानी नहीं दे रहा इनका यार, इनका दाना दो भाई इनको। यार वैसे गोशी से मैंने ना ये सवाल किया था आज जब मैं जॉब से आया, तो मैंने गोशी सवाल किया था कल की वीडियो को लेकर, तो उसने वीडियो देखी, वो कह रहा है यार तूने ये सब चीज़ें क्यों बोली, मैंने यार जो जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो चीज़ तो मैं बोलूँगा, ठीक है। मैंने सवाल किया, मैंने यार बकरों की तुमने क्या हालत कर ली, तुम खाना पानी क्या खिला रहा था, कहता है यार मैं अभी बोला अभी वर्किंग हो रही, अच्छा उसका जवाब ये था कि अभी बकरों वर्किंग हो, तुम्हें पता ही नहीं बकरों बकरों के साथ हो क्या रहा है। मैंने क्या हो रहा है भाई, क्या चाह रहे हो तुम, क्या करना चाह रहे हो, रेडाई थोड़ा सा सीधा हो गया तुम्हारी, थोड़ा सा डर लगता है यार, सबको ही लगता है क्या कहा थे हम, अच्छा तो मैंने उससे सवाल किया, एक मिनट था, मैंने उससे सवाल किया, मैंने यार ये बकरों के साथ तूने इतना बुरा क्यों किया, वो कौन सा खाना खिला रहा था। बोला बेटा अभी तुम्हें पता ही नहीं है बकरों के साथ क्या हो रहा है, अभी तो इनका टाइम है बनने का, मैंने तुमने रेड मार दी बकरों की हालत तो देख, और आज पार्किंग में आना ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड होगी हर चीज, जो भी सवाल जाओ तुमसे होंगे तुम आ जाए बस, ये मेरे लड़के भेजे में कहाँ आया, गोशी आया नहीं, कहाँ रह गया ये, जल्दी जाओ उसको बुला के लाओ, जल्दी जाओ भाग के जाओ। एक और कारिंदा मैंने भेज दिया, आज नहीं छोड़ेंगे इसको भाई, आज आए ना हमें जवाब लेके जाएंगे, तो बहुत हो गई मस्ती मजाक, चले आटो। एक घंटा गुजर गया गोशी को बुलाए हुए, इतना टाइम हो गया लेकिन गोशी का कुछ अता पता नहीं है, अब क्या करा जाए और क्या करना है आगे ये सब हमें ही देखना पड़ेगा। अच्छा मैं एक और बात आप लोगों को बता चलूँ, लार का खाना और अपना रेडाई का खाना भी ऐसी का ऐसी पड़ा है, मतलब है कि जानवर कोई भी पार्किंग में सही नहीं है, कोई जानवर भी सही नहीं है, इनका खाना भी ऐसी पड़ा हुआ है, वो देख लो उधर, इनका खाना भी ऐसी पड़ा हुआ है, ओरियो का भी और ब्लैक आई का भी, इनकी भी सेहत के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है, और ये हमारे लार है और ये हमारे रेडाई है, इनकी भी सेहत के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। गोशी ने जो कि बहुत बड़ा बन के हमसे टेंडर लिया, टेंडर लेने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब आप लोगों को पता है, पहले तो इतनी बड़ी बड़ी शेखियाँ उनकी आप सुन लो आती कि हम तो यूँ हैं हम तो वूँ हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, लेकिन किया उनसे कुछ नहीं जाता, सही है। दोनों बकरे बकरे को भी, अब मेरे इस पांडे को आपने पहले की भी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, इस पांडे को कभी इतना शांत आप लोगों ने बैठे हुए देखा है नहीं देखा यार, हालत देखो क्या कितनी जगह में तो वो बैठा हुआ है, ये कोई जगह है यार, ये देखो कितना कचरा है, सारा कचरा वचरा पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है, वो बेंजामिन ऊपर बैठे हुए पांडा इधर बैठा हुआ है, भाई क्या होगा इस पार्किंग का मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो चाह रहा था आया था आज मैं इसीलिए, मैं तो आज फुल जो है गुस्से में आया था, सीधी सी बात है, मैं आज आया इसीलिए था कि इस मसले का हल निकाल सकूं गोशी को बुला के, लेकिन एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा हो गया और गोशी का कुछ अता पता नहीं है, अभी फिर उसको जो मैं कॉल करता हूँ, दो कॉलें तो मैंने कर दी हैं लेकिन वो नहीं आया, अभी तीसरी कॉल में देखते हैं आता है या नहीं आता। भाई मोबाइल गिर गया, ऑफ माय गॉड, अच्छा एक मिनट आ रहा हूँ, अच्छा तो भाई मैंने अभी कॉल किया उसको, वो कह रहा मैं आ रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता वो आएगा, ठीक है अब जो है डायरेक्ट हमें वहीं जाना पड़ेगा, या क्या बोलना चाह रहे हैं आप? भाई देखें काम आप भी करते हैं माशाल्लाह, सही है बिल्कुल, आपने भी नींदें छोड़ी हुई थी, हालांकि आप सुबह सुबह जा रहे थे काम, बिल्कुल ये देख रहे हो कितना मेरा जो है, आपने भी नींदें छोड़ी हुई थी, आप आके पहले इनको देखते थे, चारा डालते थे, सोते में से उठ के आते, भाई जानवरों के लिए तो करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, इनके जिम्मेदारी आ गई है, सेठ जा रहे हैं आपको पता है, इनके जिम्मेदारी आ गई है, तो अब ये दो दिन से तवज्जो नहीं दे पा रहे इसलिए जानवरों की देर लग रही, थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाए तो क्या चले जाएगा, मैं भी तो ये बोल रहा हूं आपसे, बुला रहे उनको नहीं आ रहे, नहीं यार अभी इसका मसले का महल निकालता हूं, चलें अच्छा लगा आपसे बात करके, हाथ मिला लें जरा अली, ये वहीं जाना पड़ेगा। फाइनली इतनी देर इंतजार करने के बाद खुशी भाई आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, चलते आ रहे भाई जी, इधर आ जाओ, नहीं कैमरा क्या हटाओ भैया, कुर्सी इधर लाओ, आज मसले का हल निकलेगा, इधर रखो कुर्सी, बैठो कुर्सी बैठो, आज सवाल जवाब तुम्हारे से होंगे सारे जी।
भाई जान पहली बात तो ये, दो घंटे से आपको बुला रहे, कहाँ थे? एक मिनट गया बाढ़ में, दो घंटे से आपको बुला रहे हैं, आप कहाँ थे? मेरी बात सुनो, पहले आता है कोई चाय पानी, चाय पानी कुछ भी नहीं, अभी आपको जो थपड़ों की बारिश करने का दिल कर रहा है। आपने क्या हालत बनाई है बकरों की यार? क्या किया मैंने? हालत देखो बकरे की, ये पहला गवाह एक ये खड़ा हुआ है, दूसरा गवाह मुदस्सर खड़ा हुआ है। आपने क्या किया बकरों के साथ? बकरों की हालत देखो, ये कोई बड़े जानवरों का खाना खिला रहे हो आप इनको यार? आपको पता है उस माल में क्या है जो आप माल ये खा रहे हैं? मेरी बात सुनो, बकरों का खाना अलग होता है, बछड़ों का खाना अलग होता है। मुझे इस बात का जवाब दे दो, अगर ये आप जो माछा माल खिला रहे हो, बकरों की हालत ये क्यों बनी हुई? किस किताब में लिखा है कि बकरों का खाना अलग होता है? किताब को आप छोड़ो, हम तो इम्प्रूवमेंट पे जाएंगे ना भाई, इम्प्रूवमेंट नहीं है बकरों पे भाई। किसी किताब में लिखा है? आप किताबी बातें नहीं करो हमारे साथ, किताबी बातें नहीं करो, आप हंस रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है। लिखा हुआ है कि बकरों का खाना अलग होता है, तो आप अंदर 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 आओ, अंदर आओ, चल के अंदर आओ, अंदर आओ। पहली बात तो ये, वो देख लो खांसी कर रहा है। पहली बात तो आप ही खांसी कर रहा है। माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट क्या कर रहे हैं बकरों में आप? ये इम्प्रूवमेंट है, अल्लाह माफ करे। आप इसकी हालत देखो यार, आप इसकी हालत देखो, आपने पांडे की हालत क्या कर दी है? आप ये देखो पांडे की हालत देखो, आप अपने बेंजामिन की हालत देखो। अब यार ये मान नहीं रहा है, कितने बंदे में बाहर से मैंने पकड़े, 3 से 4 लोग हमारी जो पार्किंग में रोज इनका आना जाना है, वो कह रहे हैं कि हमें फर्क नजर आ रहा है, इनकी हालतें बिगड़ गई हैं, पहले वाले ये बकरे हैं ही नहीं। क्या बोलोगे आप इस बारे में यार? आपका कौवा सफेद है, आप लोग ये बोलोगे? आप मान ही नहीं रहे हो, आप किसी हालत में नहीं मान रहे हो। आपने बकरों का चारा बंद कर दिया, आपने बकरों का चारा बंद कर दिया। बकरों को क्या खिलाओगे? भूसा खिलाओगे बकरों को? भूसा नहीं है ये, भूसा है ये, भंडा है ये, भूसा है इसका, ज्यादा भूसा है ये, भंडा है। आपको क्या पता है इस बारे में यार? अच्छा कितना खिलाते हो भंडा, कितना खा लेते हैं? वैसी का वैसी पड़ा हुआ सारा भंडा। आपकी सोच है, आपकी सोच है। आज खाया बस उसने, कल खाना ऐसी का ऐसी पड़ा हुआ, सब देखा है हमने। ये माशाल्लाह दूसरी डिश है यार, बस कर दो यार, खुदा का खौफ करो तुमसे। आज मेरे को आप जवाब दे दो, आपसे ये बकरे जो है वो हैंडल हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे? देखो मैं तो नहीं लूंगा आपसे टेंडर, कहीं आप तंग आके आप मुझे एंड में यही बोलो कि यार आप ले लो टेंडर मुझसे, मैं नहीं लूंगा आपसे टेंडर। मैंने बोला है आपको, आप बोलोगे भी तो मैं आपसे नहीं लूंगा। कितने महीने मांगे थे आपसे? कितने महीने यार? 10 दिन में आपने इसकी ऐसी की तैसी कर दी। कितने महीने मांगे थे तुमने? 10 दिन में ऐसी की तैसी कर दी। कितने सेटिंग में आए? अच्छा एक मिनट, कितने महीने मांगे थे आपने? 2 महीने? 2 महीने? 3 महीने? अभी कितना टाइम हो गया? सितंबर में दिया था आपने बॉस, सितंबर में दिया था, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 1 महीना हो गया, एक भी पूरा चलो 2 महीने और दिए। कितना जनवरी में बात करूँ आपसे इस मामले में? एक बकरों को छोड़ दूँ जब तक बकरे मर जाए भले? मैं जिम्मेदार हूँ भाई, मैं जिम्मेदार हूँ, आपको पता ही नहीं है कुछ बारे में। क्या किए यार बताओ ना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बकरों की यार? मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। बल्लिन किसने बनाया? बल्लिन किसने बनाया? बल्लिन भाई किसने बनाया? हाँ ये इन्फॉर्मेशन है, बर्लिन इन्फॉर्मेशन है हमारी, हमारी इन्फॉर्मेशन का नाम ही बर्लिन है। तुमने क्या कर लिया? हमारी बात सुन लो, सुनाओ। आपको लगता है बर्लिन आपने बनाया? किसने बनाया? आपकी भूल है, आपने बनाया बर्लिन, लकीली बना बर्लिन जो बना वो लकीली बस यही बात करते रहो बर्लिन लगी भाई। बर्लिन में मेहनत किसकी थी? क्या मेहनत, क्या मेहनत करी आप? आपको बता के मेहनत करूंगा, आप क्या मेहनत कर रहे हो? अल्लाह माफ करे, मैं एक नहीं मिनट दूंगा, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जब से इसके हाथ में टेंडर गया है ना, इस जगह पे बकरे बंदे में हैं, नहीं खुले बकरे। झूठ बोल रहा हूँ मैं? झूठ बोल रहा हूँ। कितने दिन के लिए खुले हैं बकरे? मेरी मर्जी, मेरे हाथ में, मैं कुछ भी करूं। देखो सर किसी का पॉइंट जानवर को, जानवर को हमेशा जो है ना, जानवर को हमेशा खोला जाता है। देखो मेरा तरीका और आपके तरीके में फर्क है। तरीका यार कोई नजर भी तो आए, तरीका हो रहा तो नजर भी तो आए। अभी आएगा और अभी भी आ रहा है माशाल्लाह। क्या नजर आ रहा है यार? आपने रेड मारा, पेट भर के खाना खा रहे हैं, सिर्फ पेट भरा हुआ है ना, खाने सिर्फ पेट। अबे कहां से पेट में एक मर्तबा खाना आप खिला रहे थे उनको, अबे ये कोई ऐसे बनेगी चीज? अभी आप देखना आगे भाई, 3 महीने तो मैंने लिए है ना, वो 3 महीनों में रिजल्ट दिखाऊंगा। 3 महीने बाद मैं आपसे सवाल करूंगा, इधर सुनो 3 महीने बाद तो मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। और जो अगर आपको बड़ा रिजल्ट चाहिए ना, तो आप चांद रात वाले दिन बड़ा रिजल्ट देख लेना इनके ऊपर, क्योंकि बकरों के ऊपर, बछड़ों के ऊपर, सारे जानवरों के ऊपर जो मेहनत स्टार्ट होगी ना सही वाली, वो होगी बकरा ईद से 3 महीना पहले। आपको पता है, अब मेरी बात सुने, आपका जब आपने बर्लिन को सिबा किया है, वो बर्लिन के पीक का टाइम था, सच बोलना
वो गोल्डन के पीक का टाइम था, गोल्डन के पीक का टाइम जो था वो निकल गया था जी। क्यों? अब मेरी बात सुनो, एज ज्यादा हो गई ना, इधर दिखाओ हर चीज की, मेरी बात सुन लो, हर चीज की जो है एज लिमिट, पीक का टाइम एक होता है। दिखाओ इधर, हमें भी दिखाओ, गोल्डन पीक का टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको तरतीब ही नहीं पता कि जानवर आपने तैयार कब करने, आपने उनको कब क्या चीज खिलानी है। आपने पहले मेहनत कर ली, बढ़ ली, आपने तैयार कर लिया। एज के हिसाब से चलता है, इधर आओ ना, एज के हिसाब से चलता है। इधर आओ, मेरी बात खत्म ही नहीं हुई मेरी बात खत्म नहीं हो, कैमरा नहीं हटाना वहां। अच्छा, बर्लिन आपने तैयार कर लिया, सही है। उस टाइम बकरा इसमें 4-5 महीने पड़े हुए, उसके बाद बर्लिन ढला। जब बर्लिन को आपने जिबा किया, बर्लिन का पीक का टाइम खत्म हो चुका था, बर्लिन ढलना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि आपको तरतीब ही नहीं पता कि जानवर, इधर देख लो, इधर दिखा दो, इधर दिखा दो। अच्छा, जानवरों की तरतीब आपको पता ही नहीं है कि किस टाइम जानवरों को क्या चीज देनी चाहिए, सर्दी में क्या देना है, गर्मी में क्या देना है, अभी कौन सा सीजन है, बकरा ईद में कितना टाइम, आपको तरतीब ही नहीं पता, आपको टाइमिंग ही नहीं पता जानवरों की। आपने बर्लिन तैयार कर लकीली खिला दे रहा है, वो लकीली बन गया, उसका पीक का टाइम चला गया, आपने उसको ढाके जिबा कर दिया, अब वो बर्लिन तैयार नहीं हुआ था, बकरा आपकी बात कंप्लीट होना शुरू हो गया था। सही है, अब जब 3 महीने बकरा ईद पर जाएंगे ना, तब हम मेहनत करेंगे सारे जानवरों पर। जब तक भले मरते रहे, खाना पानी नहीं मिले, भले मर जाए, आपको लग रहा है इनकी हालतें देखो यार, आप तो बड़े में आते ही ना, आपको पता ही नहीं वो खा कह रहे हैं। मैं आता हूँ रिपोर्ट लेने, और अब मेरे पास रिपोर्ट आई कल, अभी एक कमेंट आया, एक मिनट, अभी एक कमेंट आया ना आपके वजीर आजम, जो आप विजिट पे आ रहे हो, जिसने भी किया वजीर आजम, जिसने भी किया, इससे हम बाद में मिलेंगे। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, मेरे पास आती है रिपोर्टें, सही है। आप एक तरह देख रहे हैं, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, मैं यहाँ पे देखने आता हूँ कि क्या काम किस तरीके। मेरे पास रिपोर्ट आई कि यार ये काम यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा, बकरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, मैं इसलिए एक्शन लेने यहाँ पर आया। और यहाँ पर जब मैं इनके पास आया तो ये मेरे को अलग कहानी सुना रहे कि पीक का टाइम नहीं है, बर्लिन का टाइम नहीं है। तो भाई कौन सा टाइम होता है पीक का यार? एज का टाइम होता है, एज उसकी ज्यादा हो गई थी, पीक का टाइम ये नहीं हो तो आप उसकी एज रोक दोगे क्या? आप खाना पीना नहीं खिलाओगे, बिल्कुल नहीं रुकेगी एज। सुनाओ एज क्या होती है, एज क्या होती है, एज जो आपकी अभी चल रही है वो वाली एज से क्या होता है, मुझे बताओ। सारा फर्क ही एज से पड़ता है, क्या फर्क? एक जानवर की एज पूरी हो गई, बुढ़ा हो गया, जाहिर सी बात है ढलेगा ना यार। आपकी नजर में जानवर कब बनना शुरू होता है? मेरी नजर में जानवर 2 दांत के बाद बनना स्टार्ट होता है, भले से वो बकरा हो, भले से वो बड़ा जानवर हो, भले से वो ऊंट हो, भले से वो शुतुरमुर्ग हो, कहां हो, अभी तक 2 दांतों में नहीं हुआ है, क्यों बन रहा है? बन रहा कहा है, अभी तो बनेगा मेरे भाई, ये बन नहीं रहा, ये बन नहीं रहा। अरे तो वो तो बड़ा तो होगा ना जानवर यार। अब मेरी बात सुनो, छोटी सी मेरी बात सुनो, आप इतना सा एक जानवर ले आओ, सही है, वो जब भले 2 दांत में ना आए, भाई बड़ा तो होगा ना, बड़ा तो होगा भाई, एक मन का भी नहीं था जब आया था, 6.5 मन पे खड़ा है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात बहुत बन रही है, तो बड़ा तो होगा, बड़ा भी नहीं होगा, अच्छा बड़ा भी बन रहा है, एज कुछ ना कुछ तो बढ़ रही है ना भाई, एज कुछ ना कुछ तो बढ़ रही है ना मेरे भाई। क्या है कि जानवर एज के हिसाब से, एज के हिसाब से बढ़ता है, ऐसा थोड़ी कि आप खाना पीना कम कर दो रुक जाएगा, ये बात नहीं किया करो यार। हमें भी माशाल्लाह से हमें भी इतनी अल्लाह ताला ने नॉलेज दी है, तो इधर हमें भी अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने हमें इतनी नॉलेज दी है कि हमने क्या बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, हम बात करने आए, हमारे पास यहाँ से कंप्लेन आ रही थी, हम कंप्लेन पर आए कि आपने बकरों की क्या हालत कर दी, अल्लाह माफ करे बकरों की हालत। देखो यार सर, सबसे पहली बात शॉर्ट एंड सिंपल, क्या करूंगा वो ये करूंगा कि आप उछल रहे हो बर्लिन बर्लिन बर्लिन, अरे मेरे प्यारे भाई जब आपने बर्लिन जिबा किया है ना, वो बर्लिन का पीक का टाइम नहीं था, क्योंकि उसकी एज खत्म हो गई थी, हमने शशके दिखा दिए बर्लिन के, हमने बर्लिन के शशके दिखा दिए। बुड्ढा जानवर जो होता है, बुड्ढा जानवर तो पीक तो ढलेगा ना यार, आपको दिखाऊंगा जब टाइम, जानवर आपको मैं 8-8 दांत के बकरे दिखाऊंगा, दिखाओ छी होंगे जिसामत में, कहां है दिखाओ, वो उनका पीक का टाइम होता है, कहां दिखाओ, वो उनकी एज लिमिट होती है, जानवर जब आप मुझे पीक दिखाओगे ना, उसका पीक का टाइम नहीं होगा, वो 2 दांत पे भला होगी, 4 दांत पे भला होगी, 2 दांत पे भला होगी, 2 दांत के बाद 4 दांत पे भला होगी, उसके बाद 8 दांत पे भी वो ढल जाएगा। जानवर जो होता है कितने महीनों में तकरीबन दांत कर लेता है, और कितने महीने में 4 कर लेता है, कितने महीने में 6 कर लेता है, कौन सा जानवर, कोई भी जानवर, छोटा जानवर, बकरे की बात करना चाह रहे हो आप, बकरे की, बकरे की, बकरे की। सवाल एक मिनट दोबारा दोहराओ, जानवर कितने महीनों में कितने सालों में 2 दांत होता है, और फिर कितने महीने बाद वो 4 होता है, देखो और फिर कितने महीने बाद वो 6 होता है। अभी बात ये नहीं है, बात ये है ना, कितने टाइम में 2 दांत होते हैं, बातें कर रहे हो 2-4 दांतों की, तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इतने होनर दिए हैं, बताइए, लेकिन बात ये नहीं, बात ये है
कि बकरों का भाई बताओ एक मिनट बताओ मेरी बात सुन लो, मैं और कुछ सुन नहीं रहा, मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो डॉक्टर, एक मिनट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दादू की, दे रहा हूँ। आपने बकरों के ऊपर गंदम स्टार्ट करी, यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अभी एज अ विजिटर तो मैं आया हूँ ना भाई, आप मेरे सवालों का जवाब दो, मैं आपके सवालों का जवाब देने का हकदार थोड़ी हूँ भाई। देख लो YouTube पे इस बारे में, फिर आना मेरे पास। किस बारे में देख लो, जिस बारे में आपको नहीं पता भी क्या, आप मुझे बस इतना नजर आ रहा है, मुझे बस इतना नजर आ रहा है कि आपने बकरों की रेड मार दी, बस देखते रहो देखते रहो। चांद रात वाले दिन आ जाना मेरे पास, सही है, और देख लेना क्या होगा। आर्थुरु जैसा बकरा नहीं दिखाऊंगा आपको, तो आपने आर्थुरु बनाया था। चलो वजन बता दो, एक मिनिमम वजन दे बता दो कितना बना। ऐसे जो ना नजर खाती है चीजों, क्या वजन के ऊपर काम कर ही नहीं रहा, मतलब अभी जिस हालत में इससे डबल हो जाएंगे इंशाल्लाह, डबल ट्रिपल हो जाएंगे, वो छोड़ दो आप। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आर्थुरु जैसा बकरा नहीं दिखाऊंगा, आर्थुरु जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख ले, पिछले व्लॉग्स में है जो हमने कुर्बानी की। बात आर्थुरु की तो है ही नहीं, जब आर्थुरु आया आप लोगों को पता होगा, जब जो हमारे पुराने, अब ये सफाइयां दे रहे हैं अपनी और कुछ भी नहीं है, सफाइयों की बात ही नहीं है, आर्थुरु पूरा साल वाला बर्बाद। मुझे आप सफाई दो ना मेरे बकरों की, जो आपने बकरों की रेड़ मारी है, दो सफाई, पब्लिक भी बोल रही है यार, आप हालत देखो उनकी क्या है यार, हालत देखो उन लोगों की बकरों की, अल्लाह माफ कर, रेड़ मार दी। और कबूतर, कबूतर किस लिए लाया आप इधर भाई, कबूतर आप कौन होते हो सवाल, अंडे बच्चे कराने के लिए लाया, देखना अभी एक मिनट जरा, कबूतर के बारे में आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे जरा। बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं मेरे पास, बहुत कंप्लेने आई हैं आपकी यार। पहली बात तो ये, जो तो टिकटॉक टिकटॉक चल रही है वो नहीं, पहली बात तो ये कि आप हो कौन, आप कोई चीफ मिनिस्टर हो, एज अ विजिटर, एज अ सुपरवाइजर, ये मेरा हक बनता है यहाँ आऊँ, मैं इस जगह का सुपरवाइजर हूँ, सारे जानवरों का, सारे जानवरों की जिम्मेदारी मुझ पर है मेरे भाई। आप जो इनकी हालत बना रहे हो, ये बकरों की आप लोगों ने क्या हालत बनाई, बकरों को छोड़ के तुम कबूतरों में घुस गए, अल्लाह कबूतर भी देखो दोनों ने मुंह उधर किए, जैसे आपने अल्लाह माफ करे इज्जत लूट ली, लेकिन कबूतर आप देख रहे हैं, आप देखो देखो ये वाला घूम गया, जो मेरी साइड है घूम के तुम्हारी साइड वाला तो वहीं खड़ा है। अच्छा इतना, चलो सुपरवाइजर रखा किसने इधर, आप मेरे को सुपरवाइजर अल्लाह ने रखा, बेजबान जानवर है ना भाई, बेजबान जानवर है ना, अल्लाह बोलता है कि जाओ, सिर्फ आपका बाड़ा थोड़ी है, हमारे पास तो लाखों बाड़े हैं जिसको हमें विजिट करने जाते हैं। मैंने जो बात की थी ना आपसे 3 महीने बाद, इन पर रिजल्ट देख लेना, ज्यादा अच्छा चाहिए चार लाख पर लेना, शॉर्ट एंड सिंपल यही बोलूंगा, आर्थुरु जैसा बकरा नहीं दिखाऊंगा पब्लिक को, बकरा दिखाऊंगा जो दिखेगा, हाँ भाई चीज है, और इंशाल्लाह वो हम देख रहे हैं अभी, आप क्या दिखाना चाह रहे हो, अल्लाह माफ करे, ये देखो देखो अभी जब मेरे पास था ना, ये ऐसे हाथ में नहीं आती थी कमर, इसकी दो हाथ लगाने पड़ते थे, दो हाथ लगाना पड़ते थे, ये बेंजामिन है ना मेरा, बेंजामिन ये आपका बर्लिन क्रॉस, तुमने रेड मार दी बेंजामिन की, तुम क्या बेंजामिन दिखाओगे, ये ना आपका बर्लिन क्रॉस मारेगा, वो भी देख लेंगे कब, चांद रात को या 3 महीने बाद, चांद रात को जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, आगा करना, इनसे सवाल जवाब लेना, जो कि मैं ले चुका हूँ। अभी इन्होंने मुझसे बोला था कि 3 महीने का टाइम, जिस टाइम मुझसे टेंडर लिया था इन लोगों ने, 3 महीने का टाइम मुझसे लिया था, अभी हुआ 1 महीना, 1 महीने पूरा नहीं हुआ, तो ये बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद आके आप बकरों की कंडीशन देखना, 3 महीने बाद भी हम आएंगे विजिट पर, हम वैसे रोज आते रहेंगे, 3 महीने बाद भी हम आएंगे और हालत देखेंगे। कौन बुला रहा है आपको, हम तो नहीं बुला रहा, आपने मुझसे बकरों का टेंडर लिया, क्यों लिया, मेरी मर्जी, मुझे उनसे देखा, आप देखो माशाल्लाह आपने लिया, एक मिनट छोड़ नहीं रहे, आपने लिया, आपका अजीब सा दाना, आपने टेंडर लिया, हट्टी थी वो छोड़ नहीं रहे, आपने टेंडर लिया, आपकी मर्जी, मैं आऊंगा भाई, मेरी मर्जी, मैं अपने जानवरों को बेजबान जानवरों को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकता मेरे भाई, हमारे दिल में दिल दिया अल्लाह ताला ने हमारे, तभी आप बेजबान जानवर क्या, तभी पूरा वो लोगों को पता है क्यों पूरा हफ्ता खाना नहीं देते पता है, हमने बस बहुत चीजें देखी। बहरहाल इतना ही था आज की वीडियो में, मिल गया आप लोगों को जवाब, और जो कंप्लेन थी उसके ऊपर काम हुआ है, थोड़ा हमारा काम था इनको एहसास दिलाना, हमने दिला दिया, इतना ही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।